रतलाम पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी द्वारा जिला रतलाम में चलाए जा रहे अभियान शिकंजा के तहत रतलाम जिले में अवैध शस्त्रों से हो रही आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व अवैध शस्त्र धारकों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील पाटीदार द्वारा नगर पुलिस अधीक्षक जावरा अगम जैन को निर्देशित किया गया। CSP अगम जैन के निर्देशन पर थाना प्रभारी औद्योगिक क्षेत्र जावरा के नेतृत्व में टीम गठित कर थाना क्षेत्र में धरपकड़ हेतु लगाया गया। पुलिस टीम को मुखबिर सूचना पर MPAB ग्रिड ग्राम रोजना से अरनिया पिथा अनाज मंडी रोड पर आरोपी घनश्याम सिंह थाना ताल के कब्जे से एक देसी पिस्टल 0.32 के व दो कारतूस व आरोपी रितेश सेन पिता मोहनलाल सेन थाना ताल के कब्जे से एक देसी कट्टे 315 बोर का जब्त किया गया और मोटरसाइकिल MP14 MW2261 भी जब्त की गई और आरोपी गणों से पूछताछ में बताया कि उक्त अवैध शस्त्र आरोपी कृपाल सिंह सोधिया निवासी गंगधार जिला झालावाड़ा राजस्थान से लेना बताया, जिस पर कृपाल सिंह को गिरफ्तार कर उक्त आरोपी के कब्जे से एक देसी कट्टे 315 बोर का जब्त किया गया। आरोपी गण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 461/19 धारा 25 27 आमस एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। रतलाम से राहुल बैरागी की रिपोर्ट। औद्योगिक क्षेत्र जावरा थाने का मामला है, इसमें दो व्यक्ति थे जो अपने पास हथियार लेकर के जा रहे थे। मुखबिर सूचना पर पुलिस को पता चला और थाना प्रभारी की टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उनसे हथियार जब्त किए। उनसे पूछताछ की तो उन्होंने एक व्यक्ति से लेकर के आना बताया। उस व्यक्ति को जब लाया गया तो उसके बाद से भी एक हथियार बरामद हुआ। इस प्रकार से टोटल इस घटनाक्रम में 3 हथियार बरामद हुए। सर, हथियार बरामद हुए, ये हथियार को कहाँ से लेके आए थे और इसका क्या करने वाले थे, कोई अपराध करने वाले थे, किस लिए लाए थे? ये इस संबंध में भी अग्रिम विवेचना की जाना बाकी है, जिसमें पता चलेगा कि कहाँ लेकर के जा रहे थे। और ये जो दो लोग जो पकड़े गए हैं, ये जिस व्यक्ति से लेके आए हैं उसका नाम है कृपाल सिंह, तो वो भी MP बॉर्डर राजस्थान बॉर्डर पर रहता है इसका, राजस्थान में और भी बहुत लोगों को बेचता है। उससे भी अग्रिम विवेचना जब होगी तो और पता चलेगा कि कहां कहां कैसे कैसे लेकर के आते हैं। सर, कहां के रहने वाले हैं ये? जिसमें से ये इसमें से जो दो लोग मिले हैं वो जो ताल थाना क्षेत्र के गांव के रहने वाले हैं और तीसरा जिससे इन्होंने ख़रीदा है वो मध्य प्रदेश बॉर्डर पर झालावाड़ जिले के एक गाँव का रहने वाले। क्या ये कोई आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं? इस संबंध में अभी आपराधिक रिकॉर्ड जुटाना आवश्यक है, अभी नहीं। ओके सर, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।